बीच इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाचार प्लस की खबर का असर, राजन मित्तल को तत्काल प्रभाव से सेतु निगम के एमडी के पद से हटा दिया गया है। तो समाचार प्लस की खबर पर यह असर हुआ है, राजन मित्तल को सेतु निगम के एमडी से हटाया गया है। एसके श्रीवास्तव सेतु निगम के नए एमडी बनाए गए हैं। समाचार प्लस ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद इस खबर पर असर हुआ है, कार्रवाई की गई है और राजन मित्तल को तत्काल प्रभाव से सेतु निगम के एमडी के पद से हटा दिया गया है। उनके अलावा यहां पर नए एमडी एसके श्रीवास्तव बनाए गए हैं। तो समाचार प्लस ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। आलोक श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, राजन मित्तल को फिलहाल सेतु निगम के एमडी पद से हटा दिया गया है, क्या कुछ आगे कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी? बिल्कुल, देखिए अभी हाल फिलहाल जो कि सरकार पे लगातार ये बात आ रही थी कि उनको नहीं हटाया जा रहा था। हालांकि जब जिस दिन ही घटना हो गई थी उसी दिन उनको सरकार अगर राजन मित्तल को हटा देती तो इतनी बड़ी किरकिरी सरकार की ना होती। और लगातार समाचार प्लस ने राजन मित्तल के बारे में चलाया और आपको बता दें, राजन मित्तल पीडब्ल्यूडी के लेवल 2 के एक इंजीनियर हुआ करते थे, जिनका काम सिर्फ सड़क बनाना होता था। और उसके बाद उन्हें समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में उनको सेतु निगम के एमडी बना दिए गए। और यही नहीं, इतनी नजदीकियां उनकी सरकार से बढ़ी कि उनको एक और बहुत ताकतवर विभाग यूपीआरएनएन मतलब उत्तर प्रदेश निर्माण निगम का भी एमडी बना दिया गया। और उसके बाद जब समाचार प्रेस ने लगातार घटना के बाद खबर चलाना शुरू किया तो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आई और उसने आज तुरंत राजन मित्तल को इस पद से हटा दिया है और एसके श्रीवास्तव को एक नया एमडी सेतु निगम का बना दिया गया है। तो निश्चित ही बात कहा जा सकता है कि जन सरोकार की पत्रकारिता पर लगातार तरीके से समाचार पत्र खबर चलाता है, उसका संज्ञान किया है मंत्री कार्यालय से और उनको हटा दिया गया है। आलोक जी, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त है और उन पर भी गाज गिर सकती है? देखिए बिल्कुल, एक बड़ी एक लिस्ट बनी, चार लोगों को पहले ही हटाया जा चुका है और जो अब कमेटी बनी है उसपे उसको सख्त इंस्ट्रक्शन है कि वो पूरी निष्पक्ष जांच करे जो जो लोग इसमें हैं, क्योंकि एक बड़ा मामला है और कई बेगुनाहों की जान इस मामले से गई है। तो एक सरकार ने जो एक कमेटी गठित की है और उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कई और ठेकेदार के खिलाफ जो है वो FIR ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन उससे संबंधित और भी जो अधिकारी हैं उन पर भी एक बड़ी कार्रवाई होगी आने वाले समय में। सरकार उसका पूरी तरीके से मूड भी बना चुकी है और हम अपने दर्शकों को लगातार उनका भी पर्चीवाड़ा दिखाते हुए जो भी कार्रवाई होगी उसको हम दिखाएंगे। वंदना, बड़ा सवाल यह है कि सिस्टम के लिए पब्लिक की जिंदगी इतनी सस्ती कैसे हो गई है? और भी कौन कौन से अधिकारी हैं जिन पर गाज गिरनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए कई अधिकारियों के ऊपर ऑलरेडी गाज गिर चुकी है तत्काल प्रभाव से ही। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चार जो लोग थे उनको सस्पेंड कर दिया था। और भी बड़े अधिकारी हैं जो पूरे सिस्टम में शामिल हैं, जिन जो कार्रवाई के बाद जिनके नाम खासतौर से सामने आएंगे, कौन कौन से ऐसे इंजीनियर्स और भी हैं वहाँ पे जो उस समय वहाँ पे मौजूद थे या जिस जिनके पूरे निगरानी में ये प्रोजेक्ट हो रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी वो राजन मित्तल थे और कहीं ना कहीं जो उनका उनपे जो गाज गिरनी थी और जो उनको हटाया जाना था, ये सरकार का सबसे मुश्किल कदम था। लेकिन लगातार समाचार प्रसिद्ध ने जो खबरें दिखाई उसके बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और राजन मित्तल को सेतु निगम के एमडी पद से हटा दिया गया। जी आलोक जी, इसके अलावा एसके श्रीवास्तव जी जिनके कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी अब दी गई है, उनके प्रोफाइल के बारे में कुछ जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, निश्चित जो सेतु निगम के ही वो एक इंजीनियर है, काफी जाने माने इंजीनियर है और उनको ही अभी सेतु निगम की जानकारी जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। अभी ये अभी क्योंकि एक नाम उनका सामने निकल कर आया है, इसके पीछे भी समाचार तक उनकी भी जो पूरा उनका इतिहास है उसको भी खंगालेगा और अगर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ियां मिलती है तो वो भी अपने दर्शकों के सामने लाएगा। वरना जी आलोक जी, कितनी बड़ी चुनौती एसके श्रीवास्तव के सामने होगी इस पूरे मामले में, जिस तरह से लापरवाहियां बढ़ती गई हैं, जांच पड़ताल यहां पर हो रही है, आगे सही से कार्रवाई की जाए उसको लेकर? देखिए बिल्कुल, निश्चित सी बात, बड़ा विभाग माना जाता है सेतु निगम। और आपको बता दें सेतु निगम जो उत्तर प्रदेश का सेतु निगम है ये एशिया में बाहर भी कई प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर चुका था, एक बड़ी छवि थी, एक बहुत अच्छा एक छवि मानी जाती थी जो उत्तर प्रदेश का सेतु निगम था। इसका एशिया में और भी जगह इसने कई काम किया था, उत्तर प्रदेश से निकल के भारत को के अलावा भी कई जगह काम किया था, लेकिन पूरी छवि को
पूरी तरीके से धूमिल कर दिया था राजन मित्तल ने, और जब ये इतना बड़ा कांड हो जिसमें बेगुनाहों की जाने गई हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ा धब्बा सेतु निगम पे लगा है और अब एसके श्रीवास्तव के ऊपर उसकी जिम्मेदारियां आई हैं, तो निश्चित सी बात है कि उनकी मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बड़ी होंगी और उनको अपने घर में ही ऐसे लोगों को ढूंढ निकालना होगा जो करप्टेड है या जो भ्रष्टाचार में लिप्त है और जिनके चक्कर में जितने लोगों की जाने गई है। निश्चित सी बात है इन सारी चीजों के बाद अब ये देखना होगा कि तो इस पूरे जो एक बड़ी पूरी छवि पे धब्बा लगा है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी, एक बड़ा सरकार का उपक्रम सेतु निगम जो कि एशिया में कई जगह पे काम करने के लिए मशहूर हुआ करता था, उस पर एक बड़ा धब्बा लगा है और उसपे उसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको दिया गया है, श्रीवास्तव को दिया गया है। आलोक जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी थी, जांच रिपोर्ट भी क्या आ गई है, उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है या अपने स्तर पर कार्रवाई की गई है? देखिए ये कार्रवाई अभी प्रारंभिक स्तर पर कर दी गई है, क्योंकि खुद जो राजन मित्तल थे उन्होंने कल एक रिपोर्ट खुद ही उप मुख्यमंत्री को सबमिट कर दिया था, जिसमें उन्होंने सारा का सारा जो ठीकरा था, ये पुल गिरने का पूरा ठीकरा जिला प्रशासन बनारस वाराणसी पे सौंपा था, और उसके बाद जब समाचार प्लस ने वाराणसी के जिलाधिकारी से बात किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पे वो चीज से उतर गए कि उनके संज्ञान में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आई थी, तो अपनी चीजों को पहले से जांच से पहले से ही वो अपनी चीजों को मिसगाइड करने लगे थे, जांच को बोलने का जो काम था वो कर रहे थे। जब तक राजन मित्तल नहीं हटे तब तक जो जांच थी वो प्रॉपर तरीके से और निष्पक्ष जांच सामने नहीं आती, और उसी को ही देखते हुए जो उत्तर प्रदेश शासन ने कार्रवाई की और उसके बाद राजन मित्तल को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। जी आलोक जी, यहाँ पर ट्रैफिक अधिकारी भी इसको लेकर जिम्मेदार हैं, जो ट्रैफिक कर्मचारी की बैरिकेडिंग वहां पर नहीं की गई थी और बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? प्रशासनिक अधिकारी जो पूरे मामले में संलिप्त थे, क्या उनके ऊपर भी गाज गिरेगी? देखिए निश्चित सी बात है कि जिस तरीके से लगातार जैसा कि सेतु निगम का कहना था कि उन्होंने जिला प्रशासन को कई बार खत लिखा लेकिन उस खत पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखने को आया है कि, और जब खुद डीएम से बात किया, हमारे जो संवाददाता थे अवनाश सिंह ने जब डीएम से बात की तो उन्होंने सिरे से नकार दिया कि इस तरीके की कोई भी जो चिट्ठी है वो उनको नहीं प्राप्त हुई है और जिसके चलते ये इतना बड़ा जो हादसा है वो हुआ है। हालांकि अभी इसमें कई और लोग भी हैं जो अधिकारी, अगर उसकी प्रशासनिक लेवल से कोई और भी हेल्प अगर सेतु निगम से भी मांगी गई होगी तो जिला प्रशासन क्यों ना अधिकारियों पे भी कार्रवाई होना निश्चित ही बात है, वंदना बनती है, क्योंकि जो जाने हैं वो बेकसूर लोगों की गई है, मासूम लोगों की गई है, कई जो घर हैं उसमें आज मातम छाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो सेतु निगम की जो संवेदनशीलता है या जो जिसको कहा जाए जो उनकी लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है, चाहे वो सेतु निगम की कही जाए या अगर सेतु निगम से बनारस के प्रशासन को कोई खत लिखा है तो वो जिला प्रशासन की भी हो, लेकिन हाल फिलहाल जो सबसे बड़ी जो एक समाचार प्लस का इम्पैक्ट है कि लगातार जो काला चिट्ठा राजन मित्तल का खुला समाचार प्लस में, उसके बाद सरकार ने उसको हटाया है और ये 24 घंटे के अंदर समाचार प्लस की खबर का सबसे बड़ा असर है बनना। बिल्कुल आलोक जी, प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया, क्या उसके दबाव के बाद ही राजन मित्तल पर यह कार्रवाई हुई है? क्योंकि इससे पहले तो उन पर हाथ डालने से भी प्रशासनिक अधिकारी बच रहे थे और इस क्योंकि उनका रसूख इतना है, पहले अखिलेश सरकार में भी वो मलाईदार नेता रहे हैं और उन्होंने अपने रसूख के चलते जिन्हें अनुभव भी नहीं है उन्हें ब्रिज निर्माण का इतना बड़ा कार्यभार सौंपा गया था। बिल्कुल, देखिए पीडब्ल्यूडी के लेवल 2 के इंजीनियर का मतलब होता है कि वो रोड बनाने का काम कर सकता है, और रोड बनाने वाला इंजीनियर इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे हो गया कि उसको सेतु निगम का एमडी लगातार बनना, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं सेतु निगम एक ऐसा विभाग है जिसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली है और जिसको माना जाता है उत्कृष्ट कार्यों के लिए, जिसको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, उसका एमडी बना दिया गया और उसके एमडी के साथ साथ ऐसा क्या उसके अंदर देखा गया कि यूपीआरएन मतलब उत्तर प्रदेश निर्माण निगम जो कि एक और बहुत बड़ा उपक्रम है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसका भी एमडी बना दिया गया, तो निश्चित सी बात है कि लेवल 2 के इंजीनियर के अंदर ऐसा क्या देखा गया कि इतने बड़े विभाग दोनों विभाग उनको दे दिए गए हैं और जिसके बाद ये भ्रष्टाचार उनका सामने आया और जो बनारस का पुल था जिसके नीचे कई मासूम बेगुनाहों की जो जान है वो गई है वो पूरी तरीके से अब सामने आया, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी किरकिरी कराने
ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिल्कुल आलोक जी, यहाँ राजेंद्र मित्तल ने बचने की तो बहुत कोशिश की, जो नेता लोग हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की और पूरे मामले पर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं की गई, लेकिन मीडिया का दबाव इतना था, हमारी खबर बार बार दिखा रहे थे दर्शकों को, क्या उसका असर यहाँ पर हुआ है जिसकी वजह से तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई है? देखिए बिल्कुल लगातार जैसे ही पुल गिरा है उसके बाद हम लोगों ने जो हमारे सहयोगी थे वो पूरी खबरों के पीछे लग के और जो एक एक तथ्य था उसको लेकर सामने आए। लगातार हम लोगों ने जो ब्रेकिंग थी वो अपने दर्शकों के सामने लगातार सबसे पहले ब्रेकिंग करते चले गए कि चाहे वो हताहत लोगों के आंकड़े की बात हो या उनके परिवारों के पीछे की बातें हो या फिर लगातार किस तरीके के जो किस तरीके से वो ब्रिज गिरा उसके बाद फाइनली हम लोगों ने राजन मित्तल का पूरा काला चिट्ठा खोजा और काला चिट्ठा खोजने के बाद लगातार राजन मित्तल के बारे में हम लोग 24 घंटे तक दिखा रहे हैं। उसके बाद जब पूरी चीजों का संज्ञान उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया तो उसके बाद समाचार प्लस की खबर का असर हुआ और राजन मित्तल को वहां से हटा के जेके श्रीवास्तव को एक नया MD। बिल्कुल आलोक जी, जो ये कार्रवाई हुई है राजन मित्तल पर, क्या इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और ऐसे अधिकारियों को क्या सबक मिल पाएगा जो अभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जो लापरवाही पर लगातार अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं? देखिए बिल्कुल एक मैसेज है, ये एक मैसेज होता है किसी भी अधिकारी को हटा देना और उसको, हालांकि इनको निलंबित हो जाना चाहिए था लेकिन इनको सिर्फ पद से हटाया गया है और अगर ये निलंबन होता तो ये एक और बहुत बड़ी कार्रवाई के रूप में सामने आता, क्योंकि निलंबन होने के बाद जो आगे का पूरा करियर है वो उस पर इनके ब्रेक लग जाता है, लेकिन और अगर निलंबन होता तो निश्चित ही बात है कि जो इनके पास दूसरा चार्ज है यूपी निर्माण निगम का वो भी कहीं ना कहीं हटा दिया जाता है, लेकिन फिर भी चलिए इनको एक पद से हटाया गया है जिसके बाद एक संदेश तो निश्चित ही बात है और भ्रष्ट अधिकारियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने दे ही दिया होगा कि अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो आप भी इसी तरीके से जाएंगे और उसके बाद भी हम आप वरना अपने दर्शकों को बता दें अगर सरकार प्रदेश सरकार इस तरीके का कोई संदेश दे चाहे ना दे लेकिन समाचार प्लस ऐसे इससे सारे अधिकारियों का जो काला चिट्ठा वो अपने दर्शकों को सामने लाएगा और जो उनके हित की जो खबरें हैं वो लगातार जिस तरीके से करते चले आए हैं वो करते रहेंगे। आलोक जी कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट हुआ है खबर का और जो कार्रवाई हुई है राजन मित्तल पर, ये कहीं ना कहीं सरकार की छवि साफ करने की कोशिश है और सरकार जिस तरीके से कहती है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति वो अपना रही है, क्या कहीं ना कहीं उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है? रसूखदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने खबरें चलाई वंदना उसके बाद जो विपक्ष भी है चाहे वो कांग्रेस की बात किया जाए या और जो दलों की बात किया जाए उनमें वो भी आंदोलित हो चुके, उन्होंने भी सरकार पर प्रहार करना शुरू कर दिया कि इतने बड़े गुनाहगार अधिकारी को क्यों बचा के रखा हुआ है, ऐसा क्या है इसके अंदर कि इनको बचा के रखा। देखिए सरकार की एक मंशा होती है, सरकार का जो एक मैसेज होता है उसको हमेशा साफ दिखना चाहिए। आपने देखा कि इलाहाबाद में एक वकील की हत्या होती है तो तुरंत SSP को वहां से हटा दिया जाता है, तो इतनी बड़ी घटना के बाद यहाँ पे तो लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की जाने गई है, बेगुनाह लोगों की जाने गई है, तो इसमें इतना देर क्यों किया गया? इन सारी चीजों को लेके हम लोगों ने खबरें की और इन सारी चीजों को लेके जो MD था उसका काला चिट्ठा खोला, उसके बाद प्रशासन और शासन की आंखें खुली और उसके बाद हटाया गया है MD को और इसके बाद जो एक मैसेज है वो पूरी तरीके से वरना बाकी अधिकारियों को भी दिया गया है कि सुधरो नहीं तो चले जाओगे। जी बहुत शुक्रिया आलोक जी इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।